हेलो फ्रेंड्स, गूगल का इस्तेमाल तो हम सभी करते ही करते हैं चीज़ों को सर्च करने के लिए, जैसे मूवीज़, फ़ोटोज़, आर्टिकल पढ़ने जैसे कामों के लिए। पर क्या आपको पता है गूगल पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो गूगल के पेज में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। अगर आप भी जाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। हमारे यूट्यूब चैनल डिस्क्राइबर टेक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रिक के बाद तो फ्रेंड्स, गूगल क्रोम का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, गूगल में डू ओवरऑल को लिख कर सर्च कर दीजिए। तो देखा आपने किस तरह से ये गूगल का पेज रोटेट किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप डू ओवरऑल 10 times अगर आप लिख के सर्च करोगे तो ये गूगल का पेज है जो 10 times रोटेट करेगा। कुछ इस तरह। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अगर आप गूगल में लिखते हो गूगल ग्रेविटी, तो गूगल कुछ नीचे गिरता हुआ आपको नज़र आएगा। भी अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स। अगर आप गूगल में गूगल स्नैक लिख के सर्च करोगे तो गूगल स्नैक गेम को आप खेल पाओगे बिना डाउनलोड करे। यहाँ पर आपको प्ले बटन पर आपको टाइप करना है और ये प्ले हो गया। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक काफ़ी अच्छी ट्रिक है। अगर आप गूगल में ilgu.in लिख कर सर्च करोगे तो आपको गूगल में सारे वर्ड्स आपको उल्टे हुए नज़र आएंगे। गूगल भी आपको उल्टा ही दिखाई देगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अगर आप गूगल में लिखते हो अंडर वाटर गूगल, तो गूगल आपको कुछ डूबता हुआ नज़र आएगा। देखिए किस तरह से गूगल डूब रहा है पानी में और मछली भी तैर रही है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। अगर आप गूगल में गूगल स्पेयर लिख के सर्च करते हो तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जिस तरह से कि सभी वर्ड्स गूगल को चक्कर काट रहे होते हैं। नेक्स्ट ट्रिक, अगर आप गूगल में लिखते हो अटारी ब्रेकआउट, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। अगर आप इसे खेलते हो बिना डाउनलोड किए आप इसे खेल पाओगे कुछ इस तरह से। ये गेम है। काफ़ी अच्छी गेम है, बिना आप इसे डाउनलोड करे खेल सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें, अगर आप गूगल में गूगल पैकमैन लिख के सर्च करोगे तो पैकमैन गेम आप यहीं पर खेल पाओगे बिना डाउनलोड करे। आप प्ले पे टाइप कीजिए और ये स्टार्ट हो गया। यहाँ से आप पैकमैन गेम को अच्छी तरह से खेल पाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें, अगर आप गूगल में गूगोथ लिख के सर्च करोगे तो आपको गूगल डार्क मोड में कुछ तरह से नज़र आएगा। जो गूगल का कलर होता है वो चेंज हो गया कुछ इस तरह से। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें, अगर आप गूगल में इपिक गूगल लिख के सर्च करोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और इपिक सर्च आई एम फीलिंग एक्सेसिव आपकी तरफ आता हुआ आपको कुछ दिखेगा इस तरह से, और गूगल एपिक दूर जाता हुआ आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। अगर आप गूगल में गूगल रेनबो लिख के सर्च करोगे तो आपको गूगल के ऊपर आपको रेनबो नज़र आएगा बन कर आएगा कुछ इस तरह से, जहाँ से आपको देखने में काफ़ी। अगर नेक्स्ट ट्रिक की बात करें, नेक्स्ट ट्रिक, अगर आप गूगल में गूगल गिटार लिख के सर्च करते हो तो गूगल गिटार आपको नज़र आएगा। ये गिटार आपको अच्छी तरह से बजेगा, आप इसे बजा सकते हो और इसमें से आवाज़ भी निकलता है, लेकिन ये सबसे अच्छा परफॉर्म फायरफॉक्स ऐप में करता है। आप इसे यूज़ करने के लिए सबसे अच्छा ब्राउज़र फायरफॉक्स में आप अगर आप यूज़ करेंगे तो फायरफॉक्स में आपको काफ़ी अच्छी
परफॉर्म मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, अगर आप इसे आजमाएंगे तो बेहतर तरीके से ये काम करेगा। फ्रेंड्स अगर आप अपने गूगल में थैनोस लिख के सर्च करोगे तो आपने अवेंजर्स मूवी देखी होगी जिसमें थैनोस होता है अपने एक चुटकी से ही सभी चीज़ को गायब कर देता है। इसमें भी कुछ इस तरह से है, अगर आप थैनोस के हाथ पे क्लिक करोगे और ये चुटकी बजा दिया, अभी देख रहा फ्रेंड्स सारी की सारी वेबसाइट फ़ोटोज़ सब कुछ गायब हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स, आप इसे आजमाना ज़रूर। तो ये थी फ्रेंड्स गूगल के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस चैनल का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने पहले से कर दी है तो थैंक यू वेरी मच।